गाइस आज के इस नए वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर क्या होता है, कितने क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर पे आपको क्रेडिट कार्ड बड़े आसानी से मिल जाता है। इन्हीं टॉपिक पे आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप वॉच कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया गया जिसमें मैंने बताया है कि आप अपना जो क्रेडिट स्कोर है वो कैसे इंप्रूव कर सकते हो बिना किसी क्रेडिट कार्ड के भी, जाकर के आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्रेडिट स्कोर क्या होता है। देखो क्रेडिट स्कोर का अगर मैं एक साधारण सी भाषा में आपको एक डेफिनेशन दूं ना, तो एक 3 डिजिट का एक नंबर होता है, उस नंबर से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि पास्ट में आपने कोई लोन लिया था या पास्ट में कोई लोन हिस्ट्री है तो वो क्या है। यानी कि अगर मैं आपसे एक छोटा सा अगर एग्जाम्पल देकर के मानूं, मेरा एक पड़ोस का दोस्त है मान के चलिए श्याम, और वो शाम हर किसी से क्या करता है पैसे ले लेता है और उसे टाइमली चुकाता नहीं है, और हर किसी के पास जाता है और हर बार एक नए व्यक्ति के पास जाता है और फिर से उससे पैसे ले लेता है और उसे टाइमली नहीं चुकाता। अब यार जिन जिन को पता है उनको तो पता है कि भाई शाम का ये वाला रूटीन चलता है, लेकिन अगर शाम के पास एक आईडी है सिविल स्कोर वाली तो जैसे ही वो डालोगे तो उसमें पता लग जाएगा कि हाँ यार ये शाम है ना, ये जो पैसा ले तो लेता है लेकिन टाइमली चुकाता नहीं है, और अगर आप टाइमली चुका रहे होंगे तो वो भी पता लग जाएगा कि हाँ यार ये टाइमली चुका रहता है। तो ओवरऑल मिलाकर एक सिंपल सी भाषा में जो डेफिनेशन देनी चाहिए वो आप लोग समझ चुके होंगे यहाँ पे सिविल स्कोर क्या होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि सिविल स्कोर कितना होता है तो कितना बढ़िया रहता है, कितना होता है तो आपको क्रेडिट कार्ड बड़े आसानी से मिल जाता है। देखो यहाँ पे 3-4 कैटेगरीज बनाई गई है। सबसे जो बेकार सिविल स्कोर जिसको बिल्कुल बैड माना जाता है वो 300 से लेकर के 549 तक, अगर इसके बीच में अगर आपका सिविल स्कोर है तो आपको सुधारने की जरूरत है, आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं तो भैया यहाँ पे 550 से लेकर के 649 तक, इसे एवरेज माना गया, ये भी बेकार वाली कैटेगरी में मान लो लेकिन एवरेज बोल सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ पे आता है 750, उसके बाद यहाँ पे आता है 650 से लेकर के और 749 तक, इसे गुड माना गया है। इस वाली कैटेगरी में आप आते हो तो आपको लोन मिलने के या क्रेडिट कार्ड मिलने के चांसेस रहते हैं। और उसके बाद लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी यहाँ पे आती है 750 से लेकर के 900 तक। अगर 750 से या 900 तक के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर है तो कंपनी वाले जिससे भी आप क्रेडिट कार्ड या किसी से जिससे भी आप लोन लेना चाह रहे हो वो कोई डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहां पर हम बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया कि भैया आपका अगर क्रेडिट स्कोर कम है तो इसका मतलब आप ये नहीं कि आप चोरी कहलाओगे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला है। एक क्रेडिट रिपोर्ट होती है, वो क्रेडिट रिपोर्ट के अनुसार कंपनी वाले सर्च करते हैं कि भैया आपने प्रीवियस में कहां कहां से लोन लिया था, आपने आपका क्रेडिट स्कोर लो क्यों है, आपने कितने बार आपने जो लोन का जो ईएमआई था जो इंस्टॉलमेंट था वो आपने टाइम पे नहीं किया, तो वो सारी हिस्ट्री एक लोन रिपोर्ट में आ जाती है, क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर आ जाती है, जिसमें आपका पता लग जाता है कि आपकी पास्ट की हिस्ट्री क्या है। अगर आप टाइमली पेड करते हो तो आपको आगे चल के लोन और भी आसानी से मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो और आसानी से और इंक्रीज यहाँ पे कर दी जाती है। देखो यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि जो भी क्रेडिट कार्ड या जो क्रेडिट लोन हम लेते हैं उसके लिए कंपनी बनाई गई सिविल, यहाँ पर उसके बाद सारी रिपोर्ट्स भेज दी जाती है और वो कंपनी क्या करती है उस रिपोर्ट को आगे जाकर के पूरा ऑनलाइन डाटा मर्ज कर दिया जाता है, जिससे कि आप फ्यूचर में कभी दूसरी बार जब भी लोन लोगे या कोई भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो सिविल स्कोर से ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके डिटेक्ट हो जाती है। तो मेरे हिसाब से आप कोई भी लोन अगर लेना है या कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हो तो उसे टाइमली पेड करो, तभी जाकर के फ्यूचर के लिए आपके अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, यहाँ पर आपको जो क्रेडिट कार्ड की जो एज होती है ना वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर आप यहाँ पे क्रेडिट कार्ड अगर आप जो भी क्रेडिट कार्ड लेते हो तो वो आपका जितना पुराना क्रेडिट कार्ड रहेगा आगे चल के वो आपको और अच्छा रहेगा। जो क्रेडिट कार्ड होते हैं ना बेसिकली दो तरह के क्रेडिट कार्ड जो कंपनियां होती है या जो बैंक वाले होते हैं वो दो तरह का क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड कराते हैं, पहला होता है सिक्योर क्रेडिट कार्ड, दूसरा होता है अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड। सिक्योर क्रेडिट कार्ड वो होते हैं जो आपको अपनी बाइक है ना, आपकी कार या आपके होम किसी भी उसके ऊपर आपको एक क्रेडिट लिमिट दी जाती है, आपको उसके ऊपर सिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है, जबकि अगर आप कहीं भी नहीं चुका पाते हो तो वो चीजें आपकी जब्त की जाएगी और आपका जो लोन है वो रिकवर कर लिया जाएगा। लेकिन जो अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड होता है वो आपको दिया जाता है आपकी सैलरी या आपके बैंक स्टेटमेंट के बेस पे और आपके सिविल स्कोर के बेस पे, तो ये दो तरह के होते हैं। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं क्रेडिट कार्ड किन लोगों को बड़े आसानी से मिल जाता है और किन लोगों को क्रेडिट कार्ड मिलने में थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। देखो अगर आपकी एक फिक्स सैलरी आती है, जॉब कर रहे हो ना, तो आपको क्रेडिट कार्ड बड़े आसानी से मिल सकता है, लेकिन यहीं पे अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो उसकी काफी लंबी चौड़ी आपको ITR लगानी पड़ेगी, उसके बाद जाके आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा। तो ओवरऑल मिलाकर के इस वीडियो में मैं छोटा सा आपको क्रेडिट कार्ड क्या होता है उसके बारे में बताना चाहूं और क्रेडिट कार्ड का कितना स्कोर अच्छा होता है,
क्रेडिट कार्ड कौन सा होता है, सिक्योर और अनसिक्योर क्या होता है, यही चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो में जो छोटी मोटी आपको जानकारी प्रोवाइड कर रही है जरूर से वैल्यूएबल होगी। अगर वैल्यूएबल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद।